मुस्लिम बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। गोली लगने से ठीक पहले अतीक अहमद के भाई अशरफ के शब्द थे, मेन बात तो यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ कहना चाह रहा था। वो क्या कहना चाहता था? क्या वही बात जो अब जाकर पता चली है? क्या वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने वाला था? सबसे बड़ी बात कि क्या गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के साथ भी गद्दारी पर उतर आया था? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माफिया डॉन के सबसे खासम खास रहे गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम के अपराध के इतिहास के वो पन्ने सामने आए हैं जिसने उसकी गद्दारी के काले कारनामे उजागर कर दिए हैं। गुड्डू मुस्लिम ने हर उस शख्स को धोखा दिया है जिसकी शारगिदी में वो अपराध करता रहा। पहले उसने बड़े माफिया डॉन को अपना गुरु बनाया, फिर उसी का पत्ता साफ कर दिया। गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक एक करके हर उस माफिया डॉन की हत्या हो गई या वो पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया जिसने गुड्डू मुस्लिम पर भरोसा करके उसे अपना राइट हैंड बनाया। पहले सत्येंद्र सिंह, फिर संतोष सिंह, उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, सबको गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया। सब उसके धोखे की वजह से मारे गए। शुरुआत से गुड्डू मुस्लिम की कहानी जानते हैं। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ था। 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। घर वालों ने उसे सुधारने की गरज से लखनऊ भेज दिया, लेकिन लखनऊ आकर वो फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में वो सत्येंद्र सिंह का खास हो गया। सत्येंद्र जिस अपराध को अंजाम देता उसमें गुड्डू मुस्लिम जरूर शामिल होता। 1997 में एक रोज सत्येंद्र सिंह गुड्डू मुस्लिम के साथ कार से कहीं जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह की कार को छोड़कर एक दूसरी कार में बैठ जाता है। इसके बाद सत्येंद्र सिंह की गाड़ी कुछ ही दूर जाती है कि उस पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। सत्येंद्र सिंह मौके पर ही दम तोड़ देता है और गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो जाता है। कहा जाता है कि सत्येंद्र सिंह की हत्या उस वक्त के कुख्यात माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी गुड्डू मुस्लिम ने की थी। अब आगे की कहानी सुनिए। गुड्डू मुस्लिम की अयोध्या के एक माफिया डॉन संतोष सिंह के साथ दोस्ती थी। वो अक्सर संतोष सिंह की राइफल उठाए उसकी कार में घूमता रहता था। किसी भी अपराध को अंजाम देने में संतोष सिंह और गुड्डू मुस्लिम साथ होते थे। एक रोज संतोष सिंह अपने घर से लखनऊ के लिए निकला, फिर वो वापस घर नहीं लौट सका। अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर संतोष सिंह की हत्या कर दी। गुड्डू मुस्लिम ने एक और साथी से गद्दारी की और उसकी जान ले ली। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी के कुख्यात माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आया। सरकारी टेंडर पर कब्जे के दौरान उसकी जान पहचान श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती छनने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू मुस्लिम और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उधर श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन चुका था कि उसके सफाई के लिए एसटीएफ बनाई गई। 23 अक्टूबर 1998 को यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद में ठहरा है। एक सुनसान इलाके में श्री प्रकाश शुक्ला की नीली कार को एसटीएफ ने घेर लिया। उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम बच निकला। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला के लोकेशन के बारे में एसटीएफ को जानकारी गुड्डू मुस्लिम ने ही दी थी। ये गुड्डू मुस्लिम गुड्डू बमबाज के नाम से जो आज जाना जा रहा है, ये सत्येंद्र सिंह अंबेडकर नगर के सरवन क्षेत्र के हुआ करते थे। उनसे इसकी अच्छी जमती थी, उनसे अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती में ही उनके साथ इसने धोखा किया। सत्येंद्र सिंह के साथ धोखा करने के बाद फिर संतोष सिंह के साथ इसने अच्छी दोस्ती बनाई, फिर संतोष सिंह के साथ इसने धोखा किया, फिर संतोष सिंह के साथ धोखा करने के बाद ये जो है श्री प्रकाश शुक्ला के करीब में आया, फिर उनके साथ भी इसने धोखा करने का काम किया। जिसके साथ इसने धोखा किया नज़ीर है, उसका धोखा करना पैसा था, उसके धोखा करना उसके फितरत में था। धोखा करके लोगों को जिनके साथ दोस्ती करता था उसको मरवा देता था। सत्येंद्र सिंह को मरवा दिया, संतोष सिंह को मार दिया,
श्री प्रकाश शुक्ला को जो है मरवा दिया धोखा करके। ये धोखा करना इसके फितरत में था। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम नजर आया। वो अपने बैग से बम निकाल कर ऐसे बरसा रहा था मानो फूल बरसा रहा हो। गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया लेकिन वो फरार हो चुका था। इधर एसटीएफ को अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के झांसी में छिपे होने की जानकारी मिली। एसटीएफ ने दोनों को घेरा और क्रॉस फायरिंग में असद और गुलाम मारे गए। कहा जाता है कि खुद को बचाने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम की लोकेशन की जानकारी एसटीएफ को दी। गुड्डू मुस्लिम फरार है। यूपी एसटीएफ की तमाम कोशिशों के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। गुड्डू मुस्लिम कितना शातिर है ये उसकी अपने ही साथियों के साथ की गई गद्दारी से पता चलता है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।